नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हम जो भी अपडेट दें वो आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे 220 वोल्टेज वाले कूलर या पंखे को 100 वोल्ट में कैसे चलाएं, जो कि 2880 आरपीएम में मोटर होती है। उस मोटर का 1440 आरपीएम का हमने कल वीडियो दिया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो 1440 वाले आप देख लें। यहाँ पे 2880 का आज मैं बताने वाला हूँ। 2880 वाला फ्राटा फैन और जो कूलर्स होते हैं, जिसके अंदर टोटल चार कॉइलें होती है, दो रनिंग की होती है, दो स्टार्टिंग की होती है, कुछ इस तरह की होती हैं, तो उसका आज मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कल मैंने 1440 का बताया था, जिसमें चार चार कॉइलें होती हैं, चार रनिंग की, चार स्टार्टिंग की, सिंगल फेस में कूलर पंखे में, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगा दो पंखड़ी वाला, दो ब्लेड वाला जो पंखा होता है 2880 में, ठीक है। 2880 आरपीएम में, 2880 आरपीएम में, और जो कूलर होता है 2880 में, जिसमें कि चार ही कॉइलें होती हैं, मिनी कूलर्स जो आते हैं, ठीक है, उसमें काम कर सकते हैं आप। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को दोस्तों। यहाँ पे मैं कॉइलें बना रहा हूं, ये दो कॉइलें आप देख सकते हैं, ये रनिंग की कॉइलें R1, ठीक है। ये पहली कॉइल है रनिंग की और ये है रनिंग की दूसरी कॉइल, ठीक है। इसी तरह दो कॉइल जो है स्टार्टिंग की भी होंगी, स्टार्टिंग की मैं बना रहा हूं इधर। ठीक है, तो दो रनिंग की होती हैं, दो स्टार्टिंग की क्वायलें होती हैं। तो पहले रनिंग के मैं बता रहा हूं। देखिए, आपको वाइंडिंग सेम रखनी है, या फ्राटा फैन आप देख रहे हैं मोटर, दो रनिंग की क्वायलें इसमें, दो स्टार्टिंग की क्वायलें 2880 आरपीएम में है। इसको 100 वोल्ट में चलाना है तो कैसे कनेक्शन करना है वो चीज आपको देखना है। देखिए, वाइंडिंग आपको सेम रखनी है, वाइंडिंग में कोई फर्क नहीं करना है, ट्रेन में कोई गेज में कोई फर्क नहीं करना है, बस आपको 100 वोल्टेज में चलाने के लिए कनेक्शन बदलने होंगे। पहले कनेक्शन 220 में चलाने के लिए 1-3 में कनेक्शन होते हैं, लेकिन अब कनेक्शन आपको चेंज करने होंगे, ठीक है। तो पहले रनिंग वाले का बता रहा हूं मैं, रनिंग कॉइलों का देख लीजिए। देखिए, रनिंग में ये कॉइल है पहली, इसके दो तार होते हैं, ठीक है। ये पहला तार है, ये दूसरा तार है, फिर ये पहला तार है और ये दूसरा तार है, इस तरह से। तो आपको करना क्या है, रनिंग के मैं पहले बता रहा हूं, आपने एक कॉइल का पहला तार पकड़ना है, पहला तार पकड़ना है और दूसरी के पहले से जोड़ देना है, ठीक है। पहला दूसरी के पहले से जोड़ देना है, इस तरह से, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट है वो दूसरे के साथ जोड़ देना है,
इस तरह से, ठीक है। तो पहला और पहला, पहला और पहला एक साथ जुड़े हुए हैं और दूसरा दूसरा एक साथ जुड़े हुए हैं। तो पहला वाला जो है ये एक तार हो गया, और यहां पे जो दूसरा है वो दूसरा तार हो गया। दो नंबर वाले दोनों मिला के दो नंबर का हो गया और ये हो गया, तो इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। ये पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है। तो दो तार हमारे रनिंग के निकल आएंगे। सेम टू सेम स्टार्टिंग में भी आपको ऐसा ही करना है, बिल्कुल सेम तरीके से। ये पहला है, ये पहला तार जो है ये एक नंबर है, ये दो है, ये फिर एक है और ये दो है। एक एक नंबर आपको आपस में जोड़ देना है, पहले दूसरे कॉइल के बिल्कुल सीधे जोड़ देने हैं, कोई फर्क नहीं करना है। और आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाता है, इसको वन बोलते हैं। अब दूसरे दूसरे आपस में जोड़ देने हैं, ठीक है। अब आपको एक पॉइंट दो नंबर से मिल जाता है, चाहे इधर से लगाओ चाहे इधर से लगाओ, बीच से लगाओ, ये दो नंबर है, ठीक है। तो ये पैरेलल कनेक्शन हो जाते हैं। ये स्टार्टिंग का है, ये रनिंग का है। ठीक है, ये रनिंग हो गया, स्टार्टिंग हो गया। अब इसके देखिए दो तार हमको रनिंग में मिले हैं, दो स्टार्टिंग में मिले हैं। तो अब इनके कनेक्शन देख लीजिए। आपको एक तार रनिंग का लेना है, ठीक है, एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का आपको लेना है। और आपको आपस में जोड़ देना है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट बना है एक रनिंग और एक स्टार्टिंग के तार का, इसको आप बोल सकते हो तार नंबर वन, या आप इसको कॉमन बोल सकते हो। ये कॉमन तार है, इसमें आपको एक तार देना है, प्लस का दे सकते हो, माइनस का दे सकते हो। प्लस का हमने मैंने दिखा दिया है यहाँ पे बना के, ये कॉमन हो गया है। बाकी बचे दो तार हैं, बाकी बचे दो तारों में आप जो है वो कैपेसिटर जोड़ सकते हो। कैपेसिटर, ठीक है। तो यहाँ पे कैपेसिटर, पहले आप 3.25 का कैपेसिटर लगाते थे 2880 वाले फराटा में, ठीक है। तो अब आपको कैपेसिटर जो है वो कम का कर देना होगा, ठीक है। 2.5 का आप लगा सकते हो आपका पिस्टर आप, ठीक है। कैपेसिटर का पॉइंट आपको घटा देना है। अब कैपेसिटर के दो तार होते हैं, एक यहाँ पे रनिंग का एक तार बचा हुआ है, एक स्टार्टिंग का बचा हुआ है। तो कैपेसिटर का एक तार आप रनिंग वाले में लगा दीजिए, बचा एक तार आप स्टार्टिंग वाले में, स्टार्टिंग का जो ये बचा है दूसरे नंबर का, इसमें आप लगा दीजिए। इस तरह से अब आप, हमने एक तार कॉमन बना दिया था, सारे तार कनेक्शन हो चुके हैं। एक तार प्लस का कॉमन यहां पे देना है, जो एक रनिंग और स्टार्टिंग से मिलकर बना है। एक तार आपको यहां पे देना है 100 वोल्ट में, और मैं लिख देता हूं 100 वोल्ट के लिए है, 100 वोल्ट एसी के लिए। एक कॉमन में आपको देना है और एक देने हैं रनिंग वाले में, रनिंग वाला पॉइंट ये वाला है, इस पर देना है आपको, इसी पॉइंट में। तो ये माइनस का पॉइंट यहाँ पे
बन जाता है। तो दो पॉइंट हो गए, एक ये वाला एक ये वाला, इन दोनों में करंट दोगे तो मोटर आपकी सही चलेगी, 100 वोल्ट पर चलेगी, ठीक है। अगर कनेक्शन उल्टे हैं, सॉरी अगर राउंड उल्टे ले रही है मोटर, तो आपको क्या करना है, या तो रनिंग रनिंग के तार आपस में बदल दीजिए, स्टार्टिंग स्टार्टिंग के आपस में बदल दीजिए। आप चार तार को भी बाहर काट सकते हो, निकाल सकते हो, जैसे हर पंखे में निकालते हैं, या तीन इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये है दोस्तों, ये कैपेसिटर है, ये आपको कम रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस काफ़ी जो है तारों का थोड़ा कम हो गया है, रेजिस्टेंस कम हुआ है तो करंट भी हमने कम ही दिया है, ठीक है। पहले हम देखिए, ध्यान से इसको समझ लीजिए, समझ लीजिए इसको ध्यान से। पहले रनिंग के अंदर हम 220 वोल्टेज देते थे, और स्टार्टिंग के अंदर कैपेसिटर से 220 वोल्टेज देते थे, ठीक है, स्टार्टिंग में कैपेसिटर के थ्रू और रनिंग में डायरेक्ट। तो रनिंग का देखिए, रनिंग में 220 वोल्टेज डाले थे, तो 220 वोल्टेज में 110 वोल्टेज इस कॉइल को मिलते थे, ठीक है, 110 वोल्टेज इस कॉइल को मिलते थे, ठीक है, 110 वोल्टेज मिलते थे। तो दोनों कॉइल्स हैं चुंबक बनाती थी, और चुंबक बनाने से रोटर जो है 2880 आरपीएम पे चलता था, ठीक है। तो इसके कनेक्शन जो होते थे कॉइलों के, वो होते थे सीरीज में, एक से तीन सीरीज में कनेक्शन होते थे। जब हम 220 डालते थे तो 100 इसको मिलता था, सॉरी 110 इसको मिलता था, 110 इसको मिलता था, तब मोटर 2880 पे चलती थी। अब भी वही बात है, अब हम इसमें 100 वोल्टेज डाल रहे हैं, लेकिन कनेक्शन हो गए पैरेलल। अब भी हम डायरेक्टली इसको देखिए, डायरेक्टली इसको हम 110 वोल्टेज दे रहे हैं, यहां से दे रहे हैं और यहां से दे रहे हैं, मतलब दोनों तारों में दे रहे हैं। जब सीरीज में हम दे रहे थे 220, ठीक है, तो अब हम इसको सीरीज में देंगे तो होगा क्या कि हमको 220 देने पड़ेंगे, और अगर हम पैरेलल में देंगे तो पैरेलल में हमको उसके आधे देने पड़ेंगे, 110 देने पड़ेंगे, काम वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है अगर आपका वोल्टेज थोड़ा सा ज्यादा है तो थोड़ी एम्पियर थोड़ी मोटर ज्यादा ले सकती है, थोड़ी हीट ज्यादा हो सकती है, ठीक है। अगर आपकी मोटर हीट होती है इस कंडीशन में, आपने पहले टर्न भी आपके थोड़े कम हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़े से टर्न बढ़ा सकते हैं, या आप गेज को थोड़ा सा पतला कर सकते हैं, एक नंबर ऊपर कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपके एम्पेयर भी मोटर ठीक लेगी, ठीक है। और कैपेसिटर, कैपेसिटर आप सबसे पहले 2.5 का लगाकर देखें, ठीक है, 2.5 से काम नहीं चलता है तो आप 3.5 का लगा सकते हैं, 315 का लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उससे ज्यादा आपको लगाना नहीं है। इसी तरह अगर कूलर मोटर है, कूलर मोटर है तो उसमें भी इसी तरह से करना है, कैपेसिटर का ध्यान रखना है, इस तरह से आप चला सकते हैं, ठीक है। बाकी जो मैंने बताया था कल, जो बताया था मैंने कल, मैंने बताया था 1440 आरपीएम का, तो ये है वो डायग्राम। इसमें मैंने बताया था कि इसमें चारों कॉइल जो होती है रनिंग की और स्टार्टिंग की सीरीज से होती है, तो इसमें पैलर किया था मैंने, दो दो कॉइलों का पैलर किया था, ठीक है, तो दो कॉइलों का पैलर किया था। तो अब हम 220 वोल्टेज इसमें डालते हैं, मान लीजिए इसमें भी समझ लीजिए, तो एक 220 के चार भाग आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 220 वोल्टेज का है, तो 200 वोल्टेज आपके घर पे आती है, मान लीजिए 200 ही आती है, ज्यादा तो आती नहीं है इससे, ठीक है, या कम ही हो सकती है। तो 200 वोल्टेज अगर हम मोटर में डालते हैं, तो मोटर की चार कॉइलें हैं, प्रत्येक को चार कॉइलें हैं, तो चार से आप भाग कीजिए 200 को, तो यहां पे 50 वोल्ट ही प्रति कॉइल मिलती है, ठीक है, 50 वोल्टेज प्रति कॉइल ही मिलती है। अब हम सीरीज में देंगे तो 50-50-50 ऐसे मिलेगा, अगर हम डायरेक्ट दे देंगे तो एक को ही 220 मिल जाएगी और दिक्कत हो जाएगी, जल जाएगी कॉइल। इसलिए अगर 50 वोल्टेज आप अगर एक एक कॉइल में डालते हैं, 50 ही वोल्टेज आपके घर पे है, तो एक एक कॉइल में भी आप डालेंगे तो भी मोटर फर्क करेगी। तो हमने इसी के आधार पे, इसी के उस पे बताया था, हमने प्रैक्टिकल किया हुआ है। पहले हमारे घरों के अंदर बिजली की बहुत दिक्कत थी, बिजली बहुत कम आती थी, ठीक है,
और बहुत कभी तो बहुत ज़्यादा अर्थिंग की भी प्रॉब्लम रहती थी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर पे। तो हम यही कार्य करते थे दोस्तों कि जो हमारा जो फ्राटा फैन है, ये फ्राटा फैन है, तो इसमें चार कॉयलें होती हैं, तो इसके सभी तारों को हम बाहर निकाल लेते थे, सारे तारों को, सभी कॉयलों के तारों को, ठीक है। तो सारे तारों को हम बाहर निकाल लेते थे, और बाहर हमने एक ऐसा बैंड स्विच लगा रखा था, उसमें इन तारों को ऐसा एडजस्ट कर रखा था, ऐसा सिस्टम कर रखा था। यही जो मैंने बताया है कि जब 220 वोल्टेज आती थी तब तो मोटर जो है जो चलनी चाहिए जो सीरीज पे, वो सीरीज पे ही चलती थी। जब वोल्टेज कम दिखते थे तो हम क्या करते थे, बटन को नीचे की तरफ कर देते थे, फिर ये कनेक्शन जो है वो सीरीज से पैलर हो जाते थे। तो पैलर में फिर मोटर चलती थी, उसी स्पीड पे चलती थी, वोल्टेज आधी रहती थी। तो हमने ये सिस्टम कर रखा था, लेकिन जैसे ही वोल्टेज बढ़ती थी तो हम बैंड को बदल देते थे, और कई बार हम नहीं बदल पाते थे, रात को सो जाते थे तो क्या होता था कि मोटर जो है सुबह वो फिर जल ही पाती थी। तो ये दिक्कत है, ठीक है। अब कई लोग कहेंगे यार ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, मेरे को कमेंट भी आए, लोग कंफ्यूज भी हैं लोग कि ये सही बता रहे, कुछ गलत तो नहीं कह रहा है। तो इसमें ये है कि हम 220 डालते हैं तो 50-50-50 प्रति कॉइल मिलता है। आप 50-50 वैसे दे दो, चाहे आप पैलर में 50-50 दे दो हर कॉइलों को, ठीक है, या आप सीरीज में दे दो। आपको 50 वोल्टेज की कॉइल है तो 50 वोल्टेज जो आपको देने पड़ेंगे, तभी उसमें चुंबक बनेगा, उसी स्पीड पे फिर मोटर आपकी चलेगी। हाँ, ये हो सकता है कि आप सीरीज में देते हैं तो एम्पियर मोटर कम लेता है, हीट कम होता है, और पैलर में आप देंगे तो वोल्टेज बेशक कम रहो पर एम्पियर थोड़ा ज्यादा लेगी, ये चीजें हो सकती है, ठीक है। तो कैसा लगा हमारी वीडियो, तो हम कहेंगे कि आप एक इस तरह के पंखे को आप 50 वोल्ट में भी, आप 50 वोल्ट एसी में भी चला सकते हैं, प्रत्येक एक 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 को अलग अलग से सप्लाई दे के, ठीक है। पर सप्लाई आपको सही देनी है, कनेक्शन आपको सही रखने हैं, ऐसे नहीं कि भाई इसमें तो करंट इस तरह से जा रहा है, इस वाली कॉइल में तो इस तरह से जा रहा है करंट, और इसके अगली वाली कॉइल है उसमें आप उल्टा कर दो, फिर क्या होगा कि मोटर आपकी जलेगी। तो एक तरफ ही करंट चलना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखिए इसका प्रोसेस। तो आज की वीडियो काफी लंबी हो गई है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए। यहाँ पे मैंने 1400 के 1440 RPM में कल बता दिए थे, 2880 के में ये वाले कर सकते हैं आप जिसमें दो दो कॉइलें होती हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, दोस्तों में शेयर करिए, और प्रैक्टिकल घर पे करके देखिए और हमें बताइए कि कितना कारगर रहा आपका ये काम, ठीक है। वो आपके मोटर अगर सही टर्न है, सही गेज है, सब कुछ ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और वोल्टेज भी आपने सही दिए हैं। तो 100 से कम वोल्टेज रखें, 100 वोल्ट का है तो 100 से कम वोल्टेज रखें, जैसे 220 का होता है तो 220 से कम वोल्टेज देते हैं, जैसे घर पे 180 आते हैं तो उसमें भी ठीक चलता है, ठीक है, 220 तक ठीक चलता है, ऐसे ही 100 से कम को आपको रखना है, 100 से 80 वोल्टेज के बीच की आपको रीडिंग ध्यान रखनी है। अगर 100 से ऊपर चलाओगे ना, फिर 110 से भी ऊपर चलाओगे तो मोटर फिर जलनी जलनी है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिए। तो फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत।